हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। टुडे विल आई डिस्कस फंक्शन ऑफ फूड एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज़ द फूड, टर्म ऑफ फूड एंड एवोल्यूशन ऑफ फूड, एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस फंक्शन ऑफ फूड। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड, क्या होते हैं फूड और इनके फंक्शन क्या होते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। लेट अस स्टार्ट। फंक्शन ऑफ फूड, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बॉडी को फूड कितना ज़रूरी है। फूड हमें हेल्दी एक्टिव रहने के लिए इनफ है। अगर हम अच्छी फूड लेते हैं, हेल्दी डाइट फूड लेते हैं, हमारे वर्क करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए इनफ है। द फूड वी ईट शुड बी सेफ एंड रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड। हम कोई भी फूड खाएं बहुत सेफ तरीके से, सोच समझ के खाएं कि इसमें कितनी अमाउंट्स में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। जंक फूड से अवॉइड करें, इसीलिए कोई भी फूड लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। वी शुड चूज़ वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड शुड ईट देम रेगुलरली एंड एवरी डे। तो आप कोशिश करें हेल्दी वैरायटी ऑफ फूड को लेने की, क्योंकि उसे रेगुलर एंड एवरी डे लेने की कोशिश करें, हेल्दी डाइट को। डोंट फॉरगेट शुड बी इंजॉय फूड दैट ईट एंड शुड लुक एंड स्मेल एंड टेस्ट गुड। ये चीज़ कभी मत भूलें। आप खाने को कभी भी खाने जाएं, प्रॉपर इंजॉय करें, उसे स्मेलिंग करें, टेस्टिंग करें और हैप्पीनेस से उस खाने को इंजॉय करके खाएं। फील इज़ अ गुड एंड एनर्जेटिक फॉर्म। विदाउट गुड न्यूट्रिशन चिल्ड्रन एंड यंगर पीपल्स कैन बी डेवलप देयर पोटेंशियल फुल एंड एडल्ट विल बी हैव डिफ़िकल्टी डूइंग बेस्ट। अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ये चिल्ड्रन के लिए, यंगर पीपल के लिए अच्छा डेवलपमेंट नहीं दे पाएंगे, उनका अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो अपने एक्टिविटीज़ में फुल कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी अपना बेस्ट देने में। फूड प्रोवाइड आवर बॉडी विथ व्हाट दे नीड। हमें अपने बॉडी को फूड देने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? फूड प्रोवाइड आवर बॉडी विथ व्हाट दे नीड, क्या ज़रूरतें हैं, हम ये चीज़ जानेंगे। फर्स्ट, स्टे अलाइव, वी एक्टिव, मूव एंड वर्क। ज़िंदा रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिल्ड अ न्यू सेल, टिश्यू फॉर ग्रोथ के लिए, नए सेल बनने के लिए, टिश्यू को ग्रोथ होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हीलिंग ऑफ दैम सेल। जब हमें कभी कभी चोट लग जाता है तो वो खुद ही, आपने देखा होगा कि अपने आप वो हील हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, लेयर क्रिएट कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अगर न्यूट्रिशन, हमारा खाना अच्छा होता तो अपने आप प्रॉपर हीलिंग हो जाती है। अगर हमारे न्यूट्रिएंट नहीं अच्छे होंगे, हमारे खाने नहीं होंगे, तो वहाँ हीलिंग की प्रॉब्लम आती है, वहाँ डेज लग जाते हैं, किसी को 2 डेज में कवर हो जाते हैं, किसी को कुछ दे में ही, कुछ आवर में ही वो ब्लडिंग रुक जाती है। तो हीलिंग देम सेल प्रिवेंट, वो रोकता है, फाइट इन्फेक्शन डिजीज से, बहुत चीज़ों से वो लड़ता है। फूड आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ बॉडी। फूड को क्लासीफाइड किया गया है फंक्शन ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग। फंक्शन ऑफ बॉडी कैन ब्रॉडली क्लासीफाइड 3 मेन कैटेगरीज। लुक एट दैट फंक्शन ऑफ फूड। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एंड सेकेंड इज साइकोलॉजिकल। एल इज यहाँ, दैट इज साइकोलॉजिकल एंड सोशल। फिजियोलॉजिकली इज डिवाइड इंटू 3 पार्ट, एनर्जी गिविंग कार्बन एंड फैट and body build up give a protein and protective and regulatory vitamins and mineral. Okay, and next slide I will discuss all function. Physiologically function of food. Okay, exactly physiological meanings में क्या होता है, physiologically किसे कहते हैं? Study of function of all living being, living beings. हम इसमें स्टडी करते हैं सारे लिविंग बींग्स को, उसे हम फिजियोलॉजिकली कहते हैं। सिर्फ फिजियोलॉजिकल टर्म्स में आ जाते हैं, हम सारे लिविंग
विंग्स की स्टडी करते हैं, डील विथ हाउ द बॉडी फंक्शन एट वेरियस लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बॉडी फंक्शन वर्क करता है, किस तरह से कैसा फंक्शन होता है, ये हम फिजियोलॉजिकली फंक्शन ऑफ फूड्स में पढ़ते हैं. फिजियोलॉजिकली फंक्शन फूड कैन बी डिवाइड फर्दर सब डिवाइड एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी. आई विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. Energy giving. This group including food rich carbohydrate, fats and protein. इस energy giving जो हमें energy देता है, सबसे ज़्यादा include होते हैं इसमें carbohydrate, fats and protein. तो इससे जाने से पहले हम जानेंगे क्या होते हैं carbs, fats and protein. इन तीनों को हम deeply जानेंगे इसके बारे में. Okay. What is carbohydrate? Carbohydrate is joined as two word, carbon and hydrogen. It's defined as carbohydrate. Carbohydrate is found in two part, healthy and unhealthy. Healthy foods and unhealthy. Healthy foods like wheat, banana, potatoes, ये सारे हमारे healthy home खाने होते हैं. It's like a healthy food. And healthy pizza, cookies, ये सब चीज़ unhealthy food. They are also divided into two part, complex and simple. Complex food just like similar, wheat, banana, potatoes, rice, chapatis, ye sib, all cheese is like complex. And simple is like cold drink, cookies, dog hearts, hot burger, everything is available is simple carbohydrate. What is fat? Exactly fat kya hota hai? The body use of fat as a fuel source. Fat का काम वो होता है जब हम जैसे starvation, fast रखते हैं तो उस वक्त हमारे body में कोई energy तो जाती नहीं, कोई food हमारे body के अंदर जाता नहीं है, तो उस वक्त हमारा जो fat store होता है तो उसे use करता है fuel की तरह. It is the major storage form of energy the body. ओके, आई विल डिस्कस व्हाट इज़ प्रोटीन. तो प्रोटीन क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे. प्रोटीन आर लार्जर बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रो मोलिक्यूल्स. व्हाट इज़ द बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल इज़ अ केमिकल कंपाउंड लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हाट इज़ द माइक्रो मोलिक्यूल? माइक्रो मोलिक्यूल इज़ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. It is known as a macromolecule. And micromolecule is like water, vitamins and minerals. Micronutrients is defined as non-caloric and macronutrient is defined as caloric. Energy is defined as term of kilocalorie. Kilocalorie kise kehte hain? Kilocalorie is defined as the unit of energy. Kilocalorie is a unit of energy. ये एनर्जी की यूनिट्स है. 1 gram ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट्स गिव 4 kilocalories. 4 kilocalories. 4 kilocalories ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू, अगर हम इसे कैलरी पर मोल में कन्वर्ट करें, 17 kilojoule per mole. अगर हम 4 kilocalorie को कन्वर्ट करते हैं किलो जूल में तो 17 kilojoule per calorie होती है. एक बुरी कैलरी होती है. अगर हम अच्छा डाइट खाते हैं तो वो हमारी अच्छी कैलरी बनती है. अगर हम बुरा खाते हैं तो वो हमारी बुरी कैलरी बनती है. तो कैलरी इज डिवाइड इंटू टू पार्ट, गुड एंड बैड. Okay, and first is like physiological function. First is like physiologic function. I study energy giving. And second is bodybuilding and third is protective of regulatory. Okay,
This group may be broadly divided into two groups. This is the type of energy giving. Cereal, pulses, nut, oilseed, roots and tuber. Simple carbohydrate like sugar, fats and oil. Okay. जैसे कि मैंने बताया जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें आते हैं. जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वीट, राइस, चपाती, बनाना, पटैटोज, मैंगो, ये सब चीज़ें आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सीरियल प्रोवाइड इज एडिशन एनर्जी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिंस इन डाइट. ओके, आई विल डिस्कस व्हाट इज मिनरल. मिनरल क्या होता है और हमें मिनरल किन किन चीज़ों से मिलते हैं. मिनरल लाइक हमें नट्स और सीड्स से मिल जाते हैं. इसमें हाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं नट्स एंड सीड्स. इसमें सबसे ज़्यादा एसेंशियल की ज़रूरत पड़ती है मैगजीन, जिंक एंड कॉपर. दे आर डिफरेंट वर्क ऑफ मिनरल्स लाइक हमारे बोन्स को, मसल्स को एंड हार्ट, ब्रेन वर्क आर प्रॉपरली. ये चीज़ फंक्शन हमारी प्रॉपरली करे, ये हमारा सबसे मेन काम करता है मिनरल. हमारे ब्रेन का, हार्ट्स का, मसल्स, बोन इज़ वर्क इन प्रॉपरली, इट्स टू नीड ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ मिनरल. देन वॉट इज़ द विटामिंस. विटामिंस क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिंस इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे मैंने कि बताया वाटर एंड विटामिंस एंड मिनरल्स, ये आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जिन्हें हम इन्हें नॉन कैलोरिक फॉर्म कहते हैं. और व्हाट इज़ द विटामिंस. विटामिंस के डेफिनेशन अगर एक्सप्लेन किया जाए तो नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली. नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, हमारी ग्रोथ डेवलप हो, हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शन हो, इसलिए हमें न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. देन प्रोटीन. प्रोटीन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रोटीन क्या होता है. प्रोटीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो मॉलिक्यूल्स. दे आर कंप्रेस्ड टुगेदर, दे आर क्रिएटेड लार्ज चेन. प्रोटीन में जैसे हमें किस चीज़ों से मिल सकता है. चिकन, फिश एंड एग. ओके, एंड थर्ड इज पल्सेस आल्सो गिव प्रोटीन एंड विटामिन बी बिसाइड गिविंग एनर्जी द बॉडी. ओके, यहाँ पे विटामिन बी का क्या रोल है. विटामिन बी बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज एनर्जी एंड इन्हांस इम्प्रूव योर मेमोरीज. ये मेमोरीज के लिए बहुत बेस्ट होता है और बेनिफिट्स होते हैं हमारे, इंक्रीज करते हैं एनर्जी को. बी डिवाइड ऑफ मैनी पार्ट्स लाइक B1, B2, B3, 5, 6, 17, 9 and 12. Sorry, that is 7. Vitamin B is divided many group. B1, 2, 3, 5, 6, 7 and 12. This is the type of vitamin B. Okay, nuts and oilseed is a rich energy yielding as a good source of fat and protein. Nuts or oilseed जो सबसे ज़्यादा energy provide करते हैं वो source होते हैं fats के लिए and protein के लिए. And root and tuber through mainly provide energy and contribute some extended of mineral and vitamins. वैसे तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का काम कर देता है. मिनरल और विटामिंस को भी बढ़ाने के वर्क कर देते हैं. इसका सेकंड ग्रुप इज़ बॉडी बिल्डिंग. द फूड वी ईट बिकम अस. जैसा हम खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे. दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग बॉडी. They are classified in two group. Milk, egg, meat and fish. Pulses, oilseed and nuts.
जिसमें मिल्क और एग एंड मीट होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन होते हैं एंड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, और एसेंशियल अमाइनो एसिड करेक्ट पोर्शन एंड सिंथेसाइज द बॉडी टिश्यूज़ को वर्क करता है प्रॉपर फंक्शन, और इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। लेकिन पल्सेस ऑयल सीड नट्स में इसमें भी रिच प्रोटीन्स होते हैं लेकिन मे नॉट कंटेंट ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर फॉर ह्यूमन बॉडी। जितनी बॉडी की ज़रूरत होती है पल्सेस एंड ऑयल सीड एंड नट्स उतनी वो चीज़ें बॉडी को प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, देते हैं पर पूरी नहीं दे पाते हैं। लेकिन मिल्क एग मीट एंड फिश सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अमाइनो एसिड को ये सारे दे देते हैं और हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शन के। ओके, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। तो हम यहाँ फूड को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कंसर्व कैसे करेंगे, हैंडलिंग कैसे करेंगे, इस ग्रुप में हम जानेंगे। फूड इज़ अ रिच इन प्रोटीन एंड विटामिंस एंड मिनरल हैव रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ बॉडी हैंडलिंग इन आवर बॉडी। ओके, एग्जाम्पल मेंटेनिंग ऑफ हार्ट बीट, वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है कि हमारी हार्ट बीट कितनी है, वाटर को कैसे बैलेंस करें, बॉडी को टेम्परेचर करने में। प्रोटेक्टिव फूड ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, फूड रिच एंड फूड रिच सर्टन विटामिंस। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, फूड रिच इन विटामिंस मिनरल्स एंड प्रोटीन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू like milk, egg, fish and liver is the example, and food rich certain vitamins and minerals only, green leafy vegetable and fruits, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया। साइकोलॉजी यहाँ पर मतलब है, साइकोलॉजी का मतलब होता है डील विद द स्ट्रेस फीलिंग एंड एंजाइटी, जो इन सब चीज़ों को डील करता है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। ओके, एंड सेकेंड मेजर फंक्शन ऑफ फूड साइकोलॉजी फंक्शन, इसका दूसरा मेजर फंक्शन होता है, कुछ इसमें बताया गया है कि फूड साइकोलॉजी फंक्शन होते हैं। हम जानेंगे कि फूड साइकोलॉजी फंक्शन क्या होता है। एग्जैक्टली, फूड साइकोलॉजी, फूड साइकोलॉजी, फूड मस्ट बी सेफ्टी एंड सर्टन इमोशनल नीड्स, फूड सेफली होना चाहिए और एग्जैक्टली इमोशनल नीड्स होनी चाहिए, एंड include sense of security like love and attention. Everyone is belong particular culture and own uncue food habit characteristic, that is the culture and caste. जैसे कि हमारे इंडिया में अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड्स होते हैं, हर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, अलग कल्चर हैं, कास्ट हैं, इन सब से डिफाइन होता है हमारे रिचुअल्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल पढ़ते रहते हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड्स भी होते हैं अलग अलग चीज़ों से, पूजा में होते हैं यूज़, तो डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ फूड बनते हैं। इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल एक फंक्शन ऑफ फूड। सोशल फंक्शन ऑफ फूड, फूड एंड ईटिंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीनिंग, फूड और हमारे खाने का ही सिग्निफिकेंस जो है उसी का मतलब है सोशल मीनिंग। फूड इज़ ऑल्सो सैम्बल एंड सोशल लाइफ शेयरिंग ऑफ फूड एंड अदर पर्सन इज सोशल एक्सेप्टेंस। लाइक हम जैसे एक सोशल फंक्शन होते हैं, लाइक हमने अपनी टिफ़िन है उसे शेयर किया, एक हैप्पीनेस प्रोड्यूस किया यहाँ पे अपनी व्हेन यू शेयर अ मील समवन यू एक्सप्रेसिंग एक्सेप्टेंस फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट टू द पर्सन एंड द मीडियम थ्रू विच एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस। ये हमारे कल्चर में होता है, आई थिंक सारे कंट्रीज़ में होते हैं कि अगर कोई ओकेज़न है, पार्टीज़ है, हम नॉर्मली अगर हम फूड शेयर करते हैं लाइक फ्रेंडशिप हैप्पीनेस में खुशीज में। एग्जाम्पल फीस्ट, फीस्ट लाइक दावत, अगर हम दावत किसी को देते हैं स्पेसिफिक स्टेज में सच लाइक बर्थडे मैरिज, एक लाइक एक सोशल फंक्शन होते हैं, एक ओकेजनली फंक्शन पे हम ऐसे ऑफर करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो उसमें भी एक हैप्पीनेस प्रोड्यूस होता है। फूड इज़ अ मीडियम थ्रू द एक्सप्रेस ऑफ हैप्पीनेस,
फूड एक वो जरिया है जो एक्सप्रेस करता है आवर हैप्पीनेस. ओके, व्हाट इज द एम्पटी ऑफ कैलोरी? एम्पटी ऑफ कैलोरी किसे कहते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर प्रोवाइड ओनली एनर्जी. एम्पटी कैलोरी डू नॉट प्रोवाइड एनी अदर. यहाँ एम्पटी कैलोरी का क्या मतलब है कि जैसे हम शुगर भी खा रहे हैं सिर्फ और इतना वो हमें प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, डू नॉट प्रोवाइड एनी अदर न्यूट्रिएंट. यहाँ की कैलोरीज का मतलब है बैड कैलोरीज, मतलब हमें कोई अच्छी कैलोरी ही नहीं मिल रही है. इट्स लाइक एम्प्टी कैलोरी, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स तो मिल नहीं रहा है, हमें शुगर ही प्रोवाइड हो, वो भी शुगर सिर्फ हमें एनर्जी के लिए. हम जब खाते हैं ग्लूकोज भी ऐसे कुछ लेते हैं तो थोड़ी एनर्जेटिक फील होती है, थोड़ी एनर्जी के लिए, बट गुड कैलोरी इज जीरो. आई होप यू आर अंडरस्टैंड वॉट इज़ द बैड कैलोरी एंड गुड कैलोरीज. ओके, दिस लेसन आई विल फिनिश्ड. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग. Okay, you can see like empathy of energy and carbohydrate and sugar. Thank you.